नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल दिन रविवार। खबरों की उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को लेकर लिया बड़ा फैसला। बिहार में कॉमर्शियल गाड़ी चलाने वाले को लगाना होगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। लोन के पैसे नहीं चुकाने पर रिकवरी एजेंट कर रहे बदसलूकी, तो कर सकते हैं शिकायत। इस मामले में प्रदेश में सबसे आगे रहा सिवान जिला। पहले चरण में कम वोटिंग के कारण सभी राजनीतिक दल हुए परेशान। अपनी पुरानी कहानी को याद कर भावुक हुए मनोज वाजपेयी। डबल हेडर में आज केकेआर और आरसीबी व पीबीकेएस और जीटी के बीच होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में निकली भर्ती। अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती को लेकर पदों पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट commerce.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई 2024 है। चयनित उम्मीदवारों को इस पद पर 81,000 रुपए तक वेतन दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की आयु सीमा अधिकतम 56 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को लेकर लिया बड़ा फैसला। बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह फैसला लिया है कि बीपीएससी से चयनित शिक्षकों द्वारा जमा किए गए ऑनलाइन कागजातों का अब ऑफलाइन तरीके से भी सत्यापन किया जाएगा। आपको बता दें कि नवनियुक्त शिक्षकों ने विभाग के वेबसाइट पर अपने जो प्रमाण पत्र अपलोड किए थे, इनका मिलान अब बिहार बोर्ड के साथ ही अन्य बोर्ड की वेबसाइट पर भी किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र सही है या नहीं। ये काम विभाग अपने स्तर पर शुरू करेगा। इसमें पहले चरण में बिहार बोर्ड में जिले में मौजूद शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, फिर अन्य राज्यों के बोर्ड से आए शिक्षकों के कागजात की जांच भी होगी। प्रखंड वार शिक्षकों की सूची ब्लॉक से ले ली जाएगी, फिर इन प्रमाण पत्रों को विभाग के साइट पर अपलोड किया जाएगा और सर्टिफिकेट मिलान किया जाएगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे उदरा घाट के बारे में। ये घाट बिहार के किशनगंज में जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर डोंक नदी के किनारे स्थित है। नमामि गंगे योजना के तहत इसके रिवर फ्रंट को तैयार किया जा रहा है। इस स्थल से सूर्यास्त और सूर्योदय के नज़ारे देखते ही बनते हैं। बिहार में छठ जैसे महापर्व के दौरान इस घाट की खूबसूरती देखते बनती है। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे इस स्थान पर सौंदर्यकरण के लिए पौधरोपण की तैयारी है। यदि आप कभी यहां आते हैं तो इस स्थान पर घूमने आ सकते हैं। इस मामले में प्रदेश में सबसे आगे रहा सिवान जिला। बिहार का सिवान जिला पासपोर्ट बनवाने में सबसे अव्वल नंबर पर आया है। बता दें कि प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने के लिए 3.90 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3,56,000 लोगों के पासपोर्ट जारी हुए हैं। पासपोर्ट बनवाने में सिवान के बाद बिहार में पटना दूसरे स्थान पर और गोपालगंज तीसरे स्थान पर रहा है। सिवान से कुल 39,681 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए हैं, तो वहीं पटना से 34,983 और गोपालगंज से 30,733 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए हैं। बता दें कि प्रदेश में जिन भी लोगों के पासपोर्ट के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, उसमें आवेदन अस्वीकार करने की सबसे बड़ी वजह आवेदन के साथ किसी जरूरी दस्तावेज का ना रहना या फिर दस्तावेज में कुछ त्रुटि मिलना रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान भी कुछ पासपोर्ट वेरीफाई नहीं हुए, जिस वजह से उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। हाई कोर्ट ने 4,638 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति पर सुनाया ये फैसला। बिहार में विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों के लिए बहाली को लेकर पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत द्वारा तय किया गया है कि राज्य में विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों के लिए बहाल होने वाले 4,638 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में हर विश्वविद्यालय का उसके विषयवार रिक्तियों के अनुसार आरक्षण रोस्टर अलग अलग तय किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा दायर अपील याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने आंशिक मंजूरी देते हुए ये फैसला सुनाया है। वहीं खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले के उस हिस्से को निरस्त कर दिया, जिसमें राज्य के तमाम विश्वविद्यालय की रिक्तियों को एक साथ जोड़कर उस पर आरक्षण रोस्टर निर्धारण करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हमें नहीं लगता कि विज्ञापन में अलग से कोई बैकलॉग रिक्तियाँ निर्दिष्ट की गई हैं।
आज से भगवान महावीर जयंती का 2 दिवसीय समारोह होगा शुरू। बिहार में भगवान महावीर की जयंती समारोह आयोजित होने वाली है। इस समारोह को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग पूरी तैयारी कर रहा है। ये समारोह 2 दिवसीय होगी। इसकी शुरुआत आज से ही कुंडलपुर में होने वाली है। समारोह में देश के कोने कोने से कई जैन श्रद्धालु आ सकते हैं। इस 2 दिवसीय महावीर जयंती समारोह का उद्घाटन प्रशासनिक तौर पर आज शाम 5 बजे राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर करने वाले हैं। आज कुंडलपुर समिति द्वारा महोत्सव को लेकर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। भगवान महावीर के किन गुणों को आप अपनाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में कॉमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को लगाना होगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को सभी कॉमर्शियल गाड़ियों पर लगाना बिहार में अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिन भी कॉमर्शियल गाड़ियों में डिवाइस नहीं होगी उसे बिहार में परमिट नहीं मिलेगा। दूसरे राज्यों से भी जो लोग परमिट लेकर आएंगे उन्हें भी बिहार में परमिट लेना जरूरी होगा। जो गाड़ी मालिक इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के साथ ही गाड़ी का फिटनेस और इंश्योरेंस भी नहीं हो पाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में चल रहे 129 यात्री बसों को कई कारणों से परमिट नहीं दिया गया है। जिस काम की वजह से इनका परमिट अटका है उन बस मालिकों को 21 दिन का समय भी दिया गया है। लोन के पैसे नहीं चुकाने पर रिकवरी एजेंट कर रहे बदसलूक की तो कर सकते हैं शिकायत। कई बार पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग बैंक या किसी फाइनेंशियल कंपनी से पैसे लेते हैं। पैसे तो ले लेते हैं लेकिन किसी कारण से वे उस लोन को समय पर चुका नहीं पाते हैं। ऐसे में बैंक या लोन देने वाली कंपनी उनके पास रिकवरी एजेंट भेजती है और उनसे लोन के पैसे वसूलने की कोशिश की जाती है। कई बार ये रिकवरी एजेंट पैसे वसूलने के लिए काफी बदसलूकी करते हैं, साथ ही गाली गलौज करने पर भी उतर आते हैं। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ भी ऐसा होता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। बुरा व्यवहार करने वाले रिकवरी एजेंट की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसे मामले में पुलिस इन पर कार्रवाई कर सकती है। RBI के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, वे फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत ही काम करेंगे। लेकिन बावजूद इसके रिकवरी एजेंट बदसलूकी पर उतर जाते हैं तो आप इसकी शिकायत पुलिस के साथ ही RBI में भी कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने 55 शिक्षक और 10 कर्मचारियों पर इस मामले में की बड़ी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने 55 शिक्षक और 10 कर्मचारियों पर अपने कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत इन सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। इन शिक्षकों पर मुख्य रूप से मध्याह्न भोजन की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने का आरोप है और इसी लापरवाही को देखते हुए इनके वेतन काटने के आदेश जारी हुए हैं। आपको बता दें कि IVRS के जरिए हर दिन इन शिक्षकों से मध्याह्न भोजन और अन्य चीजों को लेकर जवाब मांगा जाता है। जो भी शिक्षक इस कार्य में लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इनका जन्म 31 दिसंबर वर्ष 1898 में बिहार के शेखपुरा में हुआ था। कृष्ण वल्लभ सहाय बिहार राजस्व मंत्री और चौथे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्टता और उनकी सुसंगतता और सामंजस्य के लिए बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल सर एडवर्ड गेट द्वारा स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 3 जून वर्ष 1974 में एक दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। बिहार पूर्व मध्य रेल में सबसे ज्यादा टिकट बेचने में ये स्टेशन है आगे। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की बिक्री में पूर्व मध्य रेल में टॉप 40 स्टेशनों की सूची जारी हुई है। बता दें कि यह सूची राजस्व के आधार पर जारी किए गए हैं। पूर्व मध्य रेल में पहले नंबर पर पटना जंक्शन का नाम सामने आया है। टिकट बिक्री के मामले में पटना जंक्शन ने 6.89 अरब से भी ज़्यादा रुपयों की कमाई की है। वहीं दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर का नाम सामने आया है। मुजफ्फरपुर स्टेशन से टिकट बेचकर 275 करोड़ या इससे भी ज़्यादा की कमाई हुई है। तीसरे नंबर पर दानापुर का नाम है। दानापुर ने 2.69 अरब रुपये के टिकट बेचे हैं। अपनी पुरानी कहानी को याद कर भावुक हुए मनोज वाजपेयी। बिहार ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी मनोज वाजपेयी आज किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान ही बना ली है। अब जल्द ही इनकी एक और फिल्म भैया जी सिनेमाघरों में दिखाई देगी। आपको बता दें कि भैया जी मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म होने वाली है।
लेकिन इस फिल्म से पहले फिलहाल वे साइलेंस 2 के प्रमोशन में लगे हुए हैं। अब इसी बीच उन्होंने मंच से अपने पुराने दोस्तों को याद किया और भावुक हो गए। उन्होंने अपनी एक कहानी याद करते हुए बताया कि उस वक्त फिल्मों के लिए फीस उतनी नहीं मिलती थी, तो आने जाने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे दिए जाते थे जिससे वो आगे की प्लानिंग करते थे। सैलरी भी काफ़ी कम थी। हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट आने जाने के लिए मिलने वाला कैश होता था। हम 150 रुपये मिलते थे। इस पैसे को कैसे खर्च करना है इसकी हम प्लानिंग करते थे। मनोज वाजपेयी आपको कैसे अभिनेता लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडोनेशिया में बिहार की बेटी दिखाएगी जलवा। बिहार में आपको हर क्षेत्र में एक से एक प्रतिभावान लोग मिल जाएंगे, चाहे वो खेल हो या फिर अन्य क्षेत्र। इन दिनों तो खेल में भी बिहार अपना नाम ऊंचा कर रहा है। अब इसी कड़ी में बिहार की बेटी नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। दरअसल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में वैशाली जिले के सैदपुर रजौली निवासी भूषण कुमार की बेटी स्वीटी का चयन हुआ है। आपको बता दें कि 24 से 28 जून तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। स्वीटी का चयन भारतीय टीम में बालिका अंडर 17 में 56 किलोग्राम भार वर्ग के लिए हुआ है। स्वीटी के पिता एक ट्रक चालक हैं। इनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। ये राज्य स्तरीय और देश स्तरीय फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2-2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। कटिहार में 52 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार हुआ शख्स। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड में है। कोई भी चुनाव में धन बल का प्रयोग ना कर सके इस पर भी पुलिस और प्रशासन की नज़र टिकी हुई है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को कटिहार में चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव से पहले जीआरपी ने भारी मात्रा में कैश के साथ एक शख्स को कटिहार स्टेशन से गिरफ्तार किया है। कैश के रूप में बरामद हुए ये रुपए 52,48,000 हैं। ये शख्स असम के दिमापुर से समस्तीपुर जा रहा था। गिरफ्तार करने के बाद शख्स से पूछताछ चली और उसके फ़ोन को भी की भी तलाशी ली गई। इस फोन में एक ऐसा मैसेज मिला जिसमें एक प्रत्याशी से बातचीत किए गए थे। पुलिस को आशंका है कि इस पैसे को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयारी की गई थी। प्रदेश के इन जिलों में लू को लेकर जारी हुआ अलर्ट। पछुआ हवा के कारण प्रदेश में कई जगहों का मौसम बदला हुआ है। लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में तो कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। राज्य के दक्षिण भाग के जिले में उष्ण दिवस और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई गई है। वहीं पटना, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, नवादा और नालंदा जिले में 1 या 2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई लॉ कॉलेजों पर उठे सवाल। राज्य के सभी सरकारी और कई निजी लॉ कॉलेजों की स्थिति काफी दयनीय है। अब इस मामले पर पटना हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस सुनवाई के दौरान उन्होंने सभी 27 लॉ कॉलेजों के संबंध में बीसीआई को विस्तृत ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ये जानने की कोशिश कर रहा कि प्रदेश के सभी लॉ कॉलेज बीसीआई द्वारा लॉ की पढ़ाई के लिए निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, साथ इन कॉलेजों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि प्रदेश में कई ऐसे कॉलेज हैं जो बीसीआई के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, साथ ही पढ़ाने वाले कई शिक्षकों की बीसीआई द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है। पहले चरण में कम वोटिंग के कारण सभी राजनीतिक दल हुए परेशान। बिहार में पहले चरण में कम वोटिंग देखने को मिले हैं। इसे देखते हुए एनडीए के नेता अलर्ट मोड में आ चुके हैं। अलर्ट मोड में आने के साथ ही ये अपने कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को निचले स्तर पर प्रचार करने के निर्देश दे रहे हैं। जदयू बूथ कमेटी और पंचायत समिति के बीच जाकर लोगों से अपील कर रही कि वे मतदान में जरूर भाग लें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। इन पार्टियों के अलावे विपक्षी पार्टी से राजद भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया जिले में हुए मतदान का प्रतिशत केवल 48.23 ही रहा है। कम वोटिंग के कारण सभी राजनीतिक दल परेशान हो चुके हैं।
तेजस्वी ने 1 करोड़ रोजगार का किया वादा व पीएम मोदी पर झूठ बोलने के लगाया आरोप। बीते दिन तेजस्वी ने पूर्णिया में अपनी चुनावी सभा के संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा और रोजगार को लेकर कई वादे किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ उप मुख्यमंत्री रहते हुए जब 17 महीने में केवल बिहार में 5 लाख नौकरियां दी तो देश में कितनी नौकरियां दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रक्षाबंधन में गरीब परिवार की बहनों को साल में 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। वो 30 हेलीकॉप्टर से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया। राशन तो कांग्रेस के जमाने से गरीबों को दिया जा रहा है। पहले तो चीनी और तेल भी मिलता था। पीएम मोदी बस झूठ बोलते हैं। इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी के बाद अब एनडीए में अमित शाह का बिहार दौरा। बीते ही दिन राहुल गांधी ने भागलपुर में महागठबंधन के नेताओं के साथ चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को खास तौर पर अपने निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो 5 गारंटी खटाखट देंगे जो युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर, आशा वर्कर्स और सेना से जुड़ी है। अब इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। अमित शाह आज कटिहार में अपने चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान वे एनडीए के 400 पार का नारा बुलंद करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। इस नेता के इस्तीफे से राजद को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के सियासी सरगर्मी में एक बार फिर से राजद पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राजद के बड़े और कद्दावर नेता कहे जाने वाले प्रभु नाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने टिकट नहीं मिलने पर राजद से नाराजगी जताई है और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मेरी टिकट चुनाव हारने से काटी गई है तो लालू की बेटी भी चुनाव हारी थी। पूरे बिहार में एक भी सीट राजद को नहीं मिली थी तो लालू यादव फिर क्यों दोबारा चुनाव में अपनी पुत्री मीसा भारती को टिकट दे दिए। रणधीर सिंह ने कहा कि आने वाले 27 अप्रैल को वे एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद उनके सैलान के बाद उनके चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। सीएम नीतीश ने बीमा भारती के राजद में जाने का खोला राज। नीतीश कुमार अपने जदयू प्रत्याशी संतोष कुमार के पक्ष में प्रसार प्रचार करने पूर्णिया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जदयू छोड़कर राजद में गई बीमा भारती पर जमकर तंज कसा है। सीएम नीतीश ने कहा है कि वो मंत्री बनना चाहती थी, मंत्री नहीं बनाए, इसलिए वो राजद में चली गई हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश ने राजद पर भी जमकर हमला किया है। उन्होंने राबड़ी देवी और लालू यादव को लेकर कहा है कि पति पत्नी ने बिहार में राज किया है, पति हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया गया। 2005 से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था, लोग बाहर निकलने की से डरते थे, इसके बाद देखिए कितना काम हुआ है, हमने सब काम करवाए हैं। डबल हेडर में आज केकेआर और आरसीबी व पीबीकेएस और जीटी के बीच होगा मुकाबला। आज 21 अप्रैल को आईपीएल का 36वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि आरसीबी ने अब तक 7 में से केवल 1 मुकाबले को ही जीता है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स अपने बेहतरीन फॉर्म में दिख रही है। इसने अभी तक 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं। केकेआर पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है तो वहीं बेंगलोर आखिरी पायदान पर है। डबल हेडर के तहत बात करें आज होने वाले 37वें मुकाबले की तो ये मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला है। आज शाम 7:30 बजे ये मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में देखने को मिलने वाला है। दोनों ही टीम के बीच अब तक का मुकाबला बराबरी का रहा है। दोनों के अब तक 4 मैच हुए हैं और दोनों ने ही 2 मैच में जीत दर्ज किए हैं। ऐसे में इस मैच में दोनों ही एक दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। आज आप किन 2 टीमों के बीच का मुकाबला देखना ज्यादा पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन 21 अप्रैल वर्ष 1451 में लोदी वंश का संस्थापक बहलोल खान लोदी दिल्ली का शासक बना था। आज के दिन वर्ष 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया था और भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। आज के दिन वर्ष 1938 में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का लाहौर में निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1996 में भारतीय वायुसेना के संजय थापर को पैराशूट के जरिए उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया था। आज के दिन भारतीय कवि पी भास्करन का वर्ष 1924 में जन्म हुआ था।
हाथ दर्द करने की वजह बन सकता है स्मार्टफोन। आज के समय में स्मार्टफोन हमारे लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है, लेकिन हम इसके इतने आदि बन चुके हैं कि हमारा अधिकतर समय फोन के चक्कर में ही कब बीत जाए हमें पता भी नहीं चल पाता है। फोन की इस तरह से आदत लगने पर फोन हमें कई तरह से प्रभावित कर सकता है, इसका हमें पता तक नहीं होगा। फोन के कारण हमारी आंखें हमारे चेहरे पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे हाथ और उंगलियां भी फोन से प्रभावित हो सकती हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक हाथ की उंगलियों पर स्मार्टफोन यूज करने का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे हाथ और उंगलियों में काफी दर्द होता है, और दर्द होने की वजह क्या है ये हम समझ ही नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह स्मार्टफोन भी हो सकते हैं। इसलिए बार बार स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से बचें और अपनी आंखों व त्वचा के साथ ही उंगलियों और हाथों का भी ख्याल रखें। एलन मस्क की टेली भारत यात्रा। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क भारत आने वाले थे, लेकिन इनकी ये यात्रा किसी कारण से टल गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद एलन मस्क ने ट्वीट के जरिए दी है। एलन मस्क ने की ये भारत यात्रा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर थी। चर्चा देखने को मिल रही थी कि इस मुलाकात के साथ ही भारत में एलन मस्क टेस्ला के एंट्री की घोषणा भी कर सकते हैं। इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला की तिमाही रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कंपनी के कारों की बिक्री पर असर पड़ता दिखा है। 23 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जहां कंपनी के परफॉर्मेंस से जुड़े सवाल पर वे जवाब देंगे। भारत यात्रा टलने की एक ये वजह भी मानी जा रही है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? ऑप्शन ए है अजीत आनंद, ऑप्शन बी है सौरभ गर्ग, ऑप्शन सी है सौरभ भारद्वाज, ऑप्शन डी है राहुल तिवारी। इसका सही उत्तर है सौरभ गर्ग। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन किसका हिस्सा था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में 1934 में भीषण भूकंप से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है पूर्णिया। इसका सही उत्तर है मुंगेर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, राज कमल, कृष्णा प्रसाद, राजेश मांझी, जितेंद्र कुमार सहनी, संतोष कुमार तिवारी, नवल किशोर झा, भरत प्रसाद, संजय कुमार शर्मा, कुंदन कुमार, राजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार, गौतम कुमार सिंह, सुरेश रॉय, नुन्नू गोलू कुमार, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको किस कंपनी का स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद है और क्यों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।